देखिए ये बटन 8 है वेक्टर का, दबा दीजिए आप। अब मैं वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट तो आसानी से हम कर लेते हैं। ये देखिए वन बटन दबाएं, वेक्टर है कोई भी सिलेक्ट कर लें यार, ठीक है। नॉर्मली तीन वाला ही होता है तभी प्रॉब्लम होते हैं, तीन से मुराद आई जे के, वन दबा दूंगा। और फर्ज करें मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 4i + 5j + 6k, ठीक है जी, ये मुझे दिया गया, मैंने लिख दिया। अब मुझे सेव करना है, तो जितना मैट्रिक्स में सेव किया था ऑन का बटन होगा, ये सेव हो गया अभी। अब देखिए शिफ्ट दबा के मुझे वेक्टर, ये 5 शिफ्ट दबा के 5 दबाएंगे ना तो वेक्टर आ जाता है, ये मेरे भाई आ गया। मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो याद रखो हमेशा कहाँ जाते हैं, डायमेंशन में, डायमेंशन में ये बटन बन गया। अब मैं कोई वेक्टर बी सी का नाम देता हूँ, बी दे देता हूँ, तो मैं 2 दबा दूँगा। अब ये भी ज़ाहिर है मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकती है जब आई जे के दोनों में हो। अब यहाँ पे 1 है मैंने दबाया, अब आई जे के आ जाएगी। फर्ज करें ये होता 3i + 2j + 1k, ठीक है जी, जो भी दिया हुआ होगा आपको। अब मैंने सेव करना है, ये ऑन वाला बटन दबा दिया, ये भी सेव हो गया। अब शिफ्ट दबा के वेक्टर, अब मुझे सिर्फ पुट करनी होगी वेक्टर ए बी की वैल्यू। वेक्टर ए यहाँ पे 3, मैंने 3 दबा दिया, मल्टीप्लाई करना है, दबाया। अब देखें दोबारा शिफ्ट दबा के वेक्टर, वेक्टर बी के लिए 4। अब ये आ गई हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आ रही है भाई मेरे पास, -7i + 14j - 7k, -7i + 14j - 7k। तो मेरे भाई ये भी हमारा रिजल्ट आ गया, और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लिया हमने। ये आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दी बच्चों, वेक्टर की भी। इससे पहले क्या सिखाई थी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का इन्वर्स, इंटीग्रेशन निकालना, लिमिट्स वाली, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आज आपको सिखाई हैं, और इंशाल्लाह ताला सिखाता रहूँगा मैं। और अब ये कि उन एक्सरसाइजेस को सिखाना है कि जिनसे आप एग्ज़ाम तक अपने आप को फिट रखें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला फ़िटनेस का होता है। पता चला सब कुछ है, फिटनेस ख़राब है और बीमार हो गए, तबीयत ख़राब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह 18 घंटे पढ़ा लेता हूँ बगैर थके, उसका क्या राज है अभी थोड़ी देर बाद आपको सिखाते हैं। थैंक्स।